माय चैंपियंस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एंड आई थिंक यू ऑल आर डूइंग फाइन ओवर देयर। हमारा सेशन आज जिस पे टॉपिक होगा वो होगा हमारा टॉपिक कंडीशनल्स, क्योंकि किसी कारणवश हम क्लोज को कंटिन्यू नहीं कर पाए। क्लोज हमारा कल से फिर एज इट इज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कंडीशनल। तो फटाफट हम बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि टॉपिक आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए इमीडिएटली। चलो, जो बच्चे इधर उधर हो उनको मैसेज कर दीजिए, सभी लोग जग जाएं सारे बच्चे। और ये बहुत ही बढ़िया क्लास होने जा रही है, आप सभी लोग फटाफट शेयर और लाइक कर दीजिए सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक आज का होगा वो होगा कंडीशनल्स, ठीक है। कंडीशनल्स का मतलब होता है कि एक कंडीशनल का मतलब होता है कि एक कंडीशन होगी और दूसरा क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा, ठीक है। एक कंडीशन होगी और दूसरा हमारा उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए इमीडिएटली, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंडीशनल। तो इधर क्या होगा, इधर होगा कंडीशन और इधर क्या होगा, रिजल्ट, ठीक है। इधर हमारा रिजल्ट होगा। मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, If you boil the water, it turns into vapor. अब आपने यहां पे क्या देखा, आपने यहां पे कंडीशन देखा कि अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो वो वेपर में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारी कंडीशन और ये रहा हमारा रिजल्ट, ठीक है। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट, जुड़ जाइए सभी लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, अब हम लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी कंडीशनल है वो तीन तरह के हैं, ठीक है। लेकिन एक कंडीशनल हम और इंक्लूड कर देंगे, जैसे इफ क्लॉज इन प्रेजेंट, इसका मतलब प्रेजेंट कंडीशनल। दूसरा है इफ क्लॉज
इन पास्ट, ये हमारा सेकंड कंडीशनल है। तीसरा है इफ क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट, ये हमारा थर्ड कंडीशनल है। और एक कंडीशनल और है जिसको हम जीरो कंडीशनल बोलते हैं, ठीक है, जीरो कंडीशनल्स बोलते हैं। कंडीशनल्स में क्या होगा, जो इफ क्लॉज होगा वो हमेशा हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, और जो दूसरा वाला हमारा सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसमें रिजल्ट आता है वो हमारा मेन होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर देखते हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं प्रेजेंट कंडीशन, कौन सा लेंगे, प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशनल, अब मान लीजिए हम लोग देखते हैं, अब ये कंडीशन वाले कंजंक्शन कौन कौन से हैं उसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहां लिखिए व्हेन, व्हेन से शुरू होगा इफ क्लॉज, इफ प्रोवाइडेड, इन केस, एज सून एज, no sooner than, unless or until, ये अगर ये sentence में लगेंगे तो हमेशा जान लीजिए कि conditional sentence होगा। इफ के अलावा और भी हमारे कंजंक्शंस हैं जो कि कंडीशनल्स में यूज होते हैं, वो हैं ये सारे हमारे कंजंक्शंस हैं, ठीक है। और ये कंजंक्शंस जब लगेंगे तो हमेशा जो होगा वो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा, ठीक है, सबॉर्डिनेट क्लॉज ये बनाएंगे, और दूसरा वाला जो हमारा मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज जो होगा वो हमारा फ्यूचर में होगा, ठीक है, फ्यूचर में होगा, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप मे माइट का भी यूज कर सकते हैं, मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, विल का भी यूज कर सकते हैं, और कैन का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए व्हेन का मतलब क्या होता है, जब, जब, इफ मीन्स यदि, अगर, अगर, प्रोवाइडेड बशर्ते, नोट करते चलना, इन केस अगर, एज सून एज, ज्यों ही, नो सूनर, जैसे ही, वैसे ही, अनलेस, जब तक की ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कंजंक्शंस हमारे ऑलरेडी नेगेटिव हैं, ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म में यूज होते हैं, इसलिए इनके साथ सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस नहीं यूज करना है। अभी सब चीज सिखाएंगे आप लोगों को, आ जाइए फटाफट सभी लोग आ जाइए। चलिए हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए तो आगे बताएं। चलिए अब हम सेंटेंस लिखते हैं, पहला प्रेजेंट कंडीशनल का लिखते हैं।
प्रेजेंट कंडीशनल जैसे इफ यू कम टू मी I will go to the market. अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं बाजार चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा ये जो है ये इफ क्लॉज है, बड़ा बड़ा जो ये है हमारा क्या है, इफ क्लॉज है, ठीक है। और इफ क्लॉज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में होगा। तो दूसरा वाला हमारा किस में आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है, सिंपल फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर टेंस में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में आएगा तो दूसरा वाला मेन क्लॉज जो होगा वो फ्यूचर में होगा, इसको हम बोलेंगे मेन क्लॉज, ठीक है। आप समझ लीजिए मेन क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज वो है जो जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहता, ठीक है। मेन क्लॉज हमेशा क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है ना, या इसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हमारा होगा वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लॉज हमारा जो होगा वो इस पर मेन क्लॉज पर डिपेंड होगा, बिना इसके ये मीनिंग कंप्लीट नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ये हमेशा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है, कौन सा सेंटेंस बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी कंपाउंड सेंटेंस को हम बोलते हैं डबल, क्या बोलते हैं, डबल। डबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों अपने आप में कंप्लीट मीनिंग निकालते हैं, किसी भी सेंटेंस को किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, किसी भी सेंटेंस को किसी सेंटेंस पर अपना अर्थ निकालने के लिए उसको डिपेंड नहीं होना है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस, या इसी को हम डबल भी बोलते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग, लाइक शेयर कर दीजिए। चलो हो गया, अब हम एक सेंटेंस लिखेंगे कि इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल गेट सक्सेस, सी विल गेट सक्सेस, अगर वो मेहनत करेगी तो वो सफल हो जाएगी। तो कंडीशन क्या है, इफ कंडीशन क्या है, मेहनत करेगी तब, अगर मेहनत करेगी तभी सफल होगी वरना नहीं होगी। तो ये हमारा क्या है, कंडीशन, ये हमारा कंडीशन है और ये हमारा रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, उसको सफलता मिल जाएगी, अगर वो मेहनत करेगी तो वो सफल हो जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे देखो सेंटेंस,
दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, इफ सी, इफ सी कम्स हियर, इफ सी कम्स हियर, I will not talk to him. I will not talk to her. अगर वो यहां आएगी तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये वाला आप समझ गए होंगे, ये इफ क्लॉज और ये मेन क्लॉज, ठीक है। अब यहीं पे हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, चलिए। अब इफ के अलावा भी कंजंक्शन लग सकते हैं, अभी मैंने लिस्ट बनाया। अब अनलेस लगाइए, अनलेस राजू टॉक्स टू मी देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज, देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। कंडीशन क्या है, जब तक राजू बात मुझसे नहीं करेगा, ठीक है, जब तक राजू मुझसे बात नहीं करेगा समझौता नहीं होगा। कंडीशन क्या है, क्या है कि जब तक वो बात नहीं करेगा, ध्यान से देखिएगा, जब तक वो बात नहीं करेगा रिजल्ट क्या मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जो आपके यहां एरर आता है वो ऐसे करके देते हैं, जैसे अनलेस राजू डजंट टॉक टू मी, डजंट टॉक टू मी देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, कोई समझौता नहीं होगा। तो अनलेस खुद ही नेगेटिव है, अभी अभी मैंने बताया, तो इसके साथ डस नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। सही क्या होगा, सही ये होगा, अनलेस राजू टॉक्स टू मी देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। बात समझ में आई, तो ये हमारे कंडीशनल हैं। कंडीशन नंबर कौन सा है, ये फर्स्ट है, कौन सा, प्रेजेंट कंडीशनल। चलो चले कॉन्सेप्ट बता दे, फिर क्वेश्चन ढेर सारे कराएंगे हम लोग। अगला देखिए, अगला कंडीशन है पास्ट कंडीशन। पास्ट कंडीशन में दो कॉन्सेप्ट बनेंगे, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट बनेंगे, कौन कौन से, एक सपोजिशनल का बनेगा जिसमें कोरी कल्पना होगी, ठीक है, जैसे इफ इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ बिग हाउस, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, एक तो पास्ट में हेड पे आएगा, एक वर्ब पे आएगा। अगर पोजेशन की बात करेगा, पोजेशन इसमें क्या कह रहा है कि जिस चीज की बात एक्चुअली में करता है वो चीज होती ही नहीं है। बस समझ रहे, कह रहा है कि इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो हम एक बड़ा घर खरीद लिए होते, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लेता, ठीक है, लेकिन पैसा है ही नहीं, जिस चीज की बात हो रही वो तो है ही नहीं। दूसरा, फिर इसी पे एक ले लीजिए, इफ आई हैड कार,
I would go on holidays. अगर मैं मेरे पास कार होती, अगर मेरे पास कार होता तो मैं छुट्टी पे जाता। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प I would help the poor। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, इसमें क्या लग रहा है, इसमें अगर वर आ रहा है तो आपको यहां क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है, और यहां पे जब हेड की बात आ रही है, जब पोजेशन की बात आएगी तब आपको हेड लगाना। इफ आई हैड कार, मेरे पास अगर कार होती, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास, तो जब पोजेशन की बात होगी पास के लिए तो आप हेड लगाएंगे, और अगर जब आपको ये कहना है कि मैं राजा होता, मैं अमीर होता, अगर मैं मिलनेयर होता, मैं बिलनेयर होता, तो मैं देश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता, तब आप वहां पे वर लगाएंगे। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, फॉर्मूला बना लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पे इफ प्लस हैड, ठीक है, इफ प्लस हैड, तो दूसरा वाला ये भी सब्जेक्ट प्लस उड लेके आएगा, सब्जेक्ट उड प्लस MB1, ये दूसरा फॉर्मेशन होगा, और पहले में इफ आई हैड प्लस नाउन, ठीक है, इफ प्लस, इसको ऐसे कर लीजिए, मैं पूरा इसका फॉर्मूला ही बता दे रहा हूं, इसको ऐसे कर लीजिए, तो एक फॉर्मूला आपको हम बना दे रहे हैं। चलिए ये अगर हो गया हो तो इसको रेस कर दे रहे हैं, हो गया। प्रेजेंट कंडीशनल का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां लिख लीजिए फॉर्मूला, प्रेजेंट कंडीशनल का फॉर्मूला क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब यस या यस, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्मूला आपका बनेगा, ठीक है। पास्ट के लिए अगर आपको बनाना है, पास्ट कंडीशनल के लिए, पास्ट कंडीशनल के लिए अगर आपको बनाना है तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन, ठीक है, तो दूसरा क्या लेके आएगा, सब्जेक्ट प्लस उड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नंबर एक फॉर्मूला है, अभी इसको हम सेंटेंस के थ्रू दिखाएंगे। दूसरा है फॉर्मूला इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन, तो दूसरा क्या लेके आएगा, सब्जेक्ट प्लस उड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा सेंटेंस नंबर दो हो गया, फॉर्मूला नंबर दो हो गया।
अब हम यहाँ पे सेंटेंस करके एक दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक सेंटेंस, इफ इफ आई वर पीएम आई वुड सॉल्व ऑल द नेशनल्स इशूज। अगर मैं भारत में पीएम होता तो मैं सारे नेशनल इशूज सॉल्व कर देता, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ इफ सब्जेक्ट आई, आगे क्या है वर, वर उसके बाद आगे क्या है नाउन, तो नाउन यहाँ पीएम है। दूसरा फॉर्मेशन क्या लेके आ रहा है, सब्जेक्ट आई, अगला क्या है वुड, वुड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा आप इस पे देखिए, इफ इफ आई हैड If I had a smartphone, I would give you call. तो if यहाँ subject है, यहाँ भी subject है, if यहाँ पे conjunction है, sorry, if conjunction है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट आई है, उसके बाद फिर हैड है, यहाँ पे हैड लग गया, उसके बाद फिर स्मार्टफोन, आपके पास नाउन है। दूसरा कंस्ट्रक्शन लेके आ रहा है आई प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब हो जाएगा इफ आई हैड स्मार्टफोन आई वुड गिव यू कॉल, मतलब अगर मेरे पास स्मार्टफोन होता तो मैं आपको फोन करता, तो मैं आपको फोन करता। इतना समझ में आया, लिख लीजिए फटाफट। लिख लीजिए सभी लोग, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट। चलो ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा, आज हम जो लोग पढ़े, आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो कंडीशनल पढ़े। कितने कंडीशनल मैंने आपको बताए, बेसिकली 3 कंडीशनल मैंने आपको बताए, ठीक है। तो 2 कंडीशनल हमने आपको पढ़ा चुके, 2 कंडीशनल हम आपको बाद में सेशन, जो हमारा नया सेशन होगा तो हम उसमें रखेंगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि एग्ज़ाम में आपके डिफरेंट एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, 2 कंडीशनल हमारे हो गए, अब परफेक्ट और 0 कंडीशनल बाकी है। इसको हम वी विल पुट इट सम अदर डे, वी विल टेक इट सम अदर डे, ओके। टिल देन बाय।